बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कवर अप करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अम्बिलिकल कॉर्ड कहते किसको है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो आपको पता है मैटरनल और फिटस दोनों पे ही इफेक्ट होगा। मदर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बच्चे पे और प्लेसेंटा की जो वर्किंग है वो अफेक्ट आउट होगी। इसमें सबसे पहले एबनॉर्मलिटी आ जाती है शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड में आता है 30 सेंटीमीटर से अगर लेस देन कॉर्ड है तो वो शॉर्ट कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, अगर स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच से कम है कॉर्ड तो वो शॉर्ट कॉर्ड कहलाएगी। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है। नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है, 55 सेंटीमीटर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये पेपर में अक्सर एमसीक्यूज जो है मोस्टली आता है। सो नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ जो है 55 सेंटीमीटर है। दूसरी एबनॉर्मलिटी स्टूडेंट इसमें आ जाती है लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड होगी तब भी जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फीटस और प्लेसेंटा की जो वर्किंग में। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड मींस के 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर कॉर्ड होती है, 100 सेंटीमीटर मींस 40 इंचज़ से अगर कॉर्ड ज़्यादा है तो वो लॉन्ग कॉर्ड में आएगी। ठीक है, इसके अलावा एबनॉर्मलिटी आ जाती है ट्रू नॉट। नोट कहते हैं स्टूडेंट गिरा को। ठीक है, कोड अगर बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो आपको पता है कि उसमें गिरा आने के चांसेस हैं। कभी वो बेबी की नेक पे और फिटस की नेक के ऊपर बल आ जाता है। ठीक है, और कभी अम्बिलिकल कोड खुद को ही वो जो है वो गिरा लग जाती है। ये जस्ट 1% इस तरह के चांस होता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है स्टूडेंट फॉल्स नोट जो है वो जो है मतलब इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, ये खुल जाती है। ठीक है, इसलिए इसको फॉल्स नोट बोलते हैं। ये भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि फॉल्स नोट हो जाए। ये होता है जस्ट स्टूडेंट वॉटन्स जेली जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में उसकी एक्यूमुलेशन से। जब वो जो है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी उसकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है वॉटन्स जेली की, तब जो है फॉल्स नोट लग जाती है और ये खुल जाती है। इसके अलावा आ जाता है स्टूडेंट लोब्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये लोब स्टूडेंट 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। अगर बेबी के नेक के ऊपर 1 लोब है तो उसको हम कहेंगे 1 लोब ऑफ कॉर्ड अराउंड द फीटल नेक, और ये स्टूडेंट होते हैं 21%। 1 लोब कितने परसेंट होते हैं? 21%। इसके अलावा फीटल नेक पे 2 लोब्स अगर होंगे, ठीक है, तो वो कहलाएंगे 2 लोब्स ऑफ द कॉर्ड अराउंड द फीटल नेक, और ये 3.5% होते हैं। ओके, 3 लोब्स भी होते हैं फीटल नेक पे, और अगर 3 लोब्स हों तो वो कहलाएंगे 3 लोब्स ऑफ कॉर्ड अराउंड द फीटल नेक, और ये 3 लोब्स ये होते हैं स्टूडेंट 0.2% जस्ट। ओके, ये आपने जो एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। 1 लोब 21%, 2 लोब जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, मतलब मेजोरिटी में होते हैं 3.5%, और 3 लोब्स होते हैं 0.2%। इसके अलावा आ जाता है स्टूडेंट हमारा ट्रू सिस्ट ऑफ कॉर्ड। 6 भी आ जाता है ट्रू सिस्ट ऑफ कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड में जो है वो 2 सिस्ट बन जाती हैं। सिस्ट आप समझते होंगे, सिस्ट इस तरह की एक थैली होती है, थैली नुमा जो है वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है अम्बिलिकल वेसल्स में। ठीक है, या एलेंटॉइस में। ये किस वजह से होता है? मींस के एलेंटॉइस हैं वो उसकी एक्यूमुलेशन से। ठीक है, वॉटन्स जेलीज़ की एक्यूमुलेशन से भी बन सकता है ट्रू सिस्ट ऑफ कॉर्ड, ये एक एबनॉर्मलिटी है। इसके अलावा फॉल्स सिस्ट हैं। ठीक है, फॉल्स सिस्ट वो सिस्ट हैं जो कि डिजोल्व आउट हो जाती हैं, रिमूव आउट हो जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।